अब देखिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टीरियर एंगल बाइसेक्टर का कांसेप्ट क्या है। देखिए कांसेप्ट लिख दिए हैं जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इस पर क्वेश्चन लेकर समझाएंगे तो कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार कांसेप्ट को सुन लीजिए। इसके पहले आपको हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का कांसेप्ट बता चुके हैं, ठीक ना। देखिए जैसे ट्रायंगल एबीसी है, ये बाय कोण है, जो एंगल ए क्या है बाय कोण है, इस कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाएगी, कोण समझाया, क्या कहलाएगी, कोण समझाया। जो भुजा कोण को बराबर भागों में बांटती है उसे ही बोलते हैं कोण अर्धक या कोण समझाया, ठीक ना। अब यहाँ से कांसेप्ट ये निकला है कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर 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 क्या कि बी डी, बी डी बटे सी डी, बी डी बटे सी डी, यही तो लिखा गया है, ये तो लिखा गया। अब देखिएगा ओ आर आर, ओ आर आर इसी को आप सकते हैं कि ए बी अनुपात ए सी बराबर बी डी अनुपात ए सी डी, सुना कि नहीं, ये भी लिख सकते हैं आप इसी चीज को, दोनों बात देखिए, बस बटे को रेशियो लिख दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या लेता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ले लो, देखिए ध्यान से। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो ये कोण बन रहा है बाय कोण है, इसका कोण समझा जाता है, जो आगे तक के देखो दिक्कत नहीं है ना, बस ये मान लेता हूँ डी, क्या मान लेता हूँ डी, ओके। अब देखिएगा अगर ये दिया है कितना 16 सेंटीमीटर, अब ये दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, तो आप याद कीजिए इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि BC अनुपाते CD, ये ज्ञात करना है, पता है कैसे निकालेंगे आप, इस कांसेप्ट का यूज करेंगे तभी ना आएगा। चलिए अब देखिए डालेंगे हल, सॉल्यूशन कहेंगे बाई स्टीरियर एंगल बाइसेक्टर कांसेप्ट, बाई स्टीरियर एंगल बाइसेक्टर के कांसेप्ट से क्या लिखेंगे आप कि ए बी बटे ए सी, क्योंकि लिखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर का बी डी बटे सी। अब कैसे आप यहाँ कर सकते हैं कि स्टीरियर एंगल कॉन्सेप्ट बाइसेक्टर ना बाइसेक्टर इस कॉन्सेप्ट ठीक ना। एग्जाम में इतना सब लिखना थोड़ी है, डार्ट बैलर क्या सॉल्व करना है, कोई पूछे तो बताना ना, एग्जाम में आपके और बैलर रख के तो सॉल्व करना, हमको आंसर मतलब होता है, आप स्टिप टू लगाओ ना लगाओ आंसर सही होना चाहिए, बस एग्जाम में टाइम की वैल्यू होती है, बस आपको समझाने के लिए हम लिख दिए। अब देखिए ए बी कितना है 16 है, ए सी कितना है 12 है, बी डी बटे सी डी मतलब ये कटेगा ना, 4 × 16 = 12 हाँ आ गया। अब ये आया क्या 4/3 बराबर क्या बी डी बटे सी डी और आर। अब इसी अनुपात को हम इस प्रकार ले सकते हैं, बटे किस प्रकार ले सकते हैं नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ पर ले देंगे कि बी डी अनुपात सी डी बराबर 4/3 ध्यान दीजिएगा, आ गया है तो कुछ है थोड़ी है, अच्छा आ गया, ये अनुपात है क्या, ये अनुपात रेशियो प्राइम, इसको आप बटे को अनुपात के रूप में ले सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 अनुपात है, कितना अनुपात है 1, 4 अनुपात, और जो यहाँ से यहाँ तक 3 अनुपात है, बताइए ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, आप कहेंगे 4 − 3 = 1 कितना आ गया 1 अनुपात, यानी बी सी कितना अनुपात है 1 अनुपात में, यानी यहाँ समझ सकते हैं कि तब बी सी बराबर 4 − 3 = 1 अनुपात, 1 अनुपात आ गया, टोटल 4 है, अगर 3 अनुपात ये 1 अनुपात ये होगा ना, तभी को जोड़ने पर 4 अनुपात होगा। अब बताइए ये 1 अनुपात है, ये 4 अनुपात 3 अनुपात, हमको निकालना क्या है, बी सी अनुपात सी डी, कहेंगे अतः
बी सी अनुपात सी डी बराबर एक अनुपात तीन, एक अनुपात तीन, तीन तीन तीन, ये आपको हो गया आंसर, ये आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए आप और इस टाइप क्वेश्चन आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।